हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको राटो का जनरेटर है, ये 3.5 KV का, ये हम आपको दिखा देते हैं। सही है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये सर्दियों में ये बंद था काफ़ी दिन से, तो जो ये अभी इसका सलफ काम नहीं कर रहा। ये देख लें, ये देख रहे हैं आपके सामने, सलाब इसका काम नहीं कर रहा। अब इसको हम खोल के चेक करते हैं और आपको समझाते हैं इसके बारे में कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। सही है, आप लोग मेरे साथ रहें इस वीडियो में, मैं आपको फुल गाइड करूँगा कि ताकि आप लोग भी अपना जनरेटर खुद सही कर सकते हैं। और बॉस, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। ये देख लें, ये बैटरी कितनी धूल मिट्टी में हो गई है, इसको हम साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका ब्लैक वायर होता है ये माइनस का होता है और जो रेड वायर होता है आपका वो प्लस का होता है। सही है, तो ये इसमें केबल टाई लगी हुई है। ये केबल है, हमने निकाल दी इसकी। ये देख लें, हमने निकाल लिया ये इसका नट बोल्ट। ये रेड वायर जो होती है वो प्लस की होती है और जो ब्लैक होती है वो माइनस की होती है। सही फ्रेंड्स, ये बैटरी हमने निकाल ली, अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे, देखते हैं बैटरीज वाले के पास, अगर ये रिपेयर हो सकती है तो उसको हम रिपेयर कर लेंगे, नहीं तो फिर न्यू बैटरी लेनी पड़ेगी, फिर हम आपको बताते हैं बैटरी चेंज करने के लिए। सही है, ओके। यार ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसकी बिल कितना देना पड़ेगा? सुबह 9 बजे खुल जाती है। हाँ हो जाएगी सर। जनरेटर पे जनरेटर का सेल्फ जो है ना वो उठा नहीं रहा है, सांस है, उठा भी ले और ना भी उठाए, रिक्स वाली बात है। रिक्स वाली बात है। और चार्जिंग सकती है 50 रुपये। और अगर न्यू बैटरी लूँ मैं, वो साल निकालेगी पूरा? होती है आपके पास जी? 1600 रुपये की ड्राई बैटरी है वो भी, ऐसी चीज़ यही चीज़ है, गारंटी वगैरह चेक करा के दिखा दो। जनरेटर को भी लेके मुझे साल हो गया, तो साल के बाद ही अभी निकाली क्योंकि सर्दियों में तो इस्तेमाल ही नहीं था।
इस्तेमाल ही ना शायद चार्ज करें आप उठ जाए। अच्छा सही है भाई। अभी आपने बताया ना कि आपके जनरेटर पे पड़ा रहा, सर्दियों में आपने जनरेटर नहीं चलाया, इस्तेमाल नहीं हो रही थी, चार्ज नहीं हो रही थी, पड़े पड़े डाउन हो गई है। सही। चार्ज करेंगे उड़ गई आपका सर, अब भी चलेगा। सही सर। फ्रेंड्स हमें ये दुकान मिली है साका, यहाँ से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, अंदर देगी वो हमें चार्ज करके दे देंगे, फिर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम घर आ गए हैं, बैटरी चार्ज करवा ली मैंने और इसे हम अब लगा के चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स ये जो है अब इसकी केबिल लगा दें इसके अंदर, और ये माइनस का जो होता है ब्लैक, इसको आप टाइट कर लें इस स्क्रू को, ये हमने लगा दिया, अब इसको हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स हमने जो ड्राई बैटरी इसमें से निकाली थी वो डेड हो गई थी, मतलब चार्जिंग के बाद भी वो सही काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये यूनिक की बैटरी ली है आई एम्पेयर की। ये इस पर सलाह इसका अच्छा चलेगा, और इसको लगा के चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। सही है। इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं न्यू बैटरी है ये। फ्रेंड्स देखें ये बैटरी हमने फिट कर दी इसके अंदर, ये अब हमने फिट कर दिया, फिर अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं और ये पेट्रोल। फ्रेंड्स अब इसमें हम पेट्रोल डालेंगे, आपको दिखाते हैं। ये अब हम पेट्रोल डालेंगे सही है। फ्रेंड्स अब हमने पेट्रोल भी डाल दिया इसमें और बैटरी भी न्यू लग गई, अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं मज़ीद ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।